बार, आई एम रियली वेरी सॉरी, बात दिमाग में नहीं आई। तुम्हारे दिमाग में तो एक ही बात रहती है, और किसी चीज के लिए जगह ही कम बचती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें बर्थडे में गिफ्ट क्या चाहिए? अब कौन आया? पता नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। ओके। क्या क्या देख रही? हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to my love, happy birthday to you. ओ माय जान, कितना मिस किया मैंने तुम्हें यार। तुम तो कल आने वाली थी ना, फिर आज ऐसे अचानक बिना बताए कैसे? अगर बताकर आता तो फिर सरप्राइज कहाँ रह जाता? और तुम्हारा जो वो जरूरी काम था उसका क्या? अरे काम काम तो सब जरूरी होते हैं, लेकिन हमारी जान का बर्थडे तो साल में एक ही बार आता है ना। तुम बैठो ना, तुम्हें काम छोड़कर आने की कोई जरूरत नहीं थी। बर्थडे का क्या है, वो तो हम कल भी मना लेते हैं ना। आओ। अच्छा अच्छा अच्छा, काम भाई, काम का नुकसान तो मैं सह सकता हूँ, कितना भी नुकसान सह सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी जान मुझे छोड़कर चले गई तो मैं तो लुढ़ जाऊंगा ना यार। चंदू तुम भी ना कैसी कैसी बातें करते हो, कुछ भी बोलते हो ना, और तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? चलो ना बाहर चल के बैठते हैं। अरे जान मेरी अपने बेडरूम में, लो अब मुझे अपने ही बेडरूम में जाने की इजाजत भी नहीं है। हाँ भाई ठीक है, तुम इस घर की महारानी हो, तुम्हारा हुक्म चलता है, हुक्म सलाह को भी, लेकिन आज मैं तुम्हार से बहुत थक गया हूँ, तो मुझे आज तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता, तो मुझे जाके आराम करना है। ठीक है चलो तुम भी आ जाओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। चंदू तुम बहुत थक गए हो ना। हाँ यार। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट मसाला चाय बनाती हूँ। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, कितना प्यार कर दिया तुम मुझे। तुम चलो आओ। नहीं नहीं मैं बेडरूम में जाके थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, देर बाद लेटता हूँ, तुम चाय बना के लेके आओ। ठीक है जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, गो 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 गो। होम स्वीट होम भाई, अपना घर तो अपना ही होता है। चाहे दुनिया में कहीं भी चंदू, चलो ना मेरे साथ किचन में मसाला चाय बनाने में आज मेरी मदद कर दो। हा? अरे यार पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ, थकावट उतरेगी तो उसके बाद मैं सब कुछ करूँगा, तुम्हारे साथ सारी हेल्प करूँगा, पहले तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ। चंदू, अरे आज मेरे बहुत है ना चंदू, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ही तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ मैं तो कब से यही चाह रहा था कि तुम ही मेरी मदद करो फ्रेश हो, लेकिन तुम मेरी मदद करती नहीं। अरे फिर शुरू हो गया ना, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए मसाला चाय बना कर लाती हूँ। आज मेरा बर्थडे है ना, तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटी सी पार्टी। मैम साहब, मेरी जान, पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की है आपके लिए। रियली? मैंने तुम्हारा बर्थडे है तो पार्टी नहीं होगी, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अपने कुछ दोस्तों को इन्वाइट किया, हम शाम को बाहर जा रहे हैं पार्टी करने के लिए। हा? अब तुम मेरे लिए चाय बना के लाओ, मैं फ्रेश होता हूँ, उसके बाद तुम तैयार हो जाओ। ओके ओके। शायद आप भी असमंजस में पड़ गए होंगे कि ये हो क्या रहा है। अगर घर आकर शर्मिला को जन्मदिन की बधाई देने वाला ये व्यक्ति चंद्रवीर उसका पति है, तो फिर वो कौन था जिसके साथ कुछ देर पहले शर्मिला ऐसा बर्ताव कर रही थी कि मानो वो उसका पति है? आखिर ये माजरा क्या है? अरे चांद में तो दाग है, लेकिन मेरी जान में तो कोई दाग नहीं है, बेदाग। हैप्पी बर्थडे भाभी, विश यू हैप्पी बर्थडे।
थैंक यू। हाय भैया। हाय। बैठ। बहुत देर करी तूने आने में। रेश भैया, रेस्टोरेंट तो कमाल का है, शानदार चॉइस है आपकी। अरे तेरे भाई की हर चॉइस ना कमाल की होती है, अपनी भाभी को नहीं देखा? ये भी तो मेरी चॉइस है। वो तो है भैया। आपने कहा था कि आपने अपने कई सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, कहाँ है सब? जान मेरी बात ऐसी है कि मैंने सोचा कि दोस्तों यारों से तो हर पार्टीज वार्टीज में मिलते रहते हैं, तब तुम्हारा बर्थडे है तो इसे अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, तो मैंने इस पार्टी को बिल्कुल प्राइवेट कर दिया, सिर्फ रोहित को बुलाया। अरे कितना अच्छा म्यूजिक बजा रहा है भैया, आज आपको और भाभी को डांस करना ही पड़ेगा। अरे तू पागल वागल हो गया, तुझे पता ये डांस वास मेरे बस का नहीं है। नहीं भैया, यू हैव टू डांस। तू मुझे बोल, साथ वाले से कूद जाऊंगा, लेकिन डांस वास भैया वो नहीं। ना ना, ना। अरे तू तो इतना छड़ास करता है, तू क्यों नहीं करता है? अरे तेरी भाभी का बर्थडे है, चल यही गिफ्ट हो जाएगा। चंदू लेकिन। अरे बोला ना, खड़ा हो, चल 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 चल। भाभी, मे आई हैव अ डांस विद यू? चंदू। अरे जाओ ना, देख क्या रही हो, चलो चलो। भरोसा है तो बड़ा छोटा सा शब्द, लेकिन यही छोटा सा शब्द होता है हर रिश्ते की बुनियाद। इसी भरोसे के दम पर रिश्ते बनाए जाते हैं और इसी भरोसे की कमी ले डूबती है हर रिश्ते को, और खासकर जब बात शादी जैसे रिश्ते की हो, तो जब भी कोई भरोसे के नाजुक बंधन को तोड़कर नाजायज रिश्तों के दलदल में कदम रखता है, तो फिर इस रिश्ते के जिंदा रहने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। एक ऐसा तूफान आता है जो अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले जाता है। कुछ ऐसा ही यहां भी हो रहा था। रोहित और शर्मिला अपना ये नापाक खेल खेलने से बाज नहीं आ रहे थे और चंद्रवीर सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर रह गया था। मैं क्या करूं रोहित, ये चंदू का फैसला है। कुछ पता है कि भैया अगले टूर पर कब जा रहे हैं? नहीं रोहित, चंदू ने मुझे अब तक कुछ नहीं बताया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में तो वही होगा ना जो वो चाहता है। और मेरा क्या होगा, मैं कैसे मिलूंगा तुमसे? रोहित, यही सोच सोच के तो मैं पागल हो जा रही। हाँ हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, हो जाएगा सब काम। चलिए मैं बाद में फोन करता हूँ, बाय। ये लो। आ गई चाय। भाई कब से इंतजार कर रहा था चाय का। शर्मिला, चाय पानी की तरह एकदम ठंडी हो गई। तो टेरेस पे खड़े रहोगे तो लाते लाते चाय तो ठंडी होगी ना। हाँ यू आर राइट, गलती मेरी है पूरी, मुझे नीचे बैठकर चाय पीनी चाहिए थी, लेकिन अब मेरी पत्नी अपने प्यारे प्यारे हाथों से चाय बना के लाई है, तो ठंडी चाय सही। अच्छा ये बताओ, तुम अपने टूर पे कब जा रहे हो? क्यों भाई, मुझे घर से बाहर भेजने का इरादा है तुम्हारा? नहीं, अब मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ ताकि तुम्हारे जाने से पहले मैं अपने सारे जरूरी काम पूरे करूँ। अच्छा तो ये बात है, तो एक काम करो, अपने सारे जितने भी जरूरी काम पूरे कर लो। क्या मतलब? मतलब ये मेरी जान कि मैंने अपना टूर कैंसिल कर दिया। कैंसिल? क्यों? मैंने सोचा कि भाई ये मुझे भी थोड़ा बहुत तो घर पर ध्यान देना चाहिए, और फिर सारे के सारे काम भी सेटल हो जाएंगे, ये टूर वर तो होते रहते हैं। क्यों? अरे मैंने सोचा कि ये सुनकर मेरी जान खुश हो जाएगी, तुम्हारा तो बस वही उतर गया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चूल्हे पे कुछ रखा है, मैं अभी आती। ओके। क्या बात है भैया, इतनी देर लगा दी? अरे यार क्या बताऊं, इस ट्रैफिक के चक्कर में लगता है एक दिन ना मुझे घर बदलना पड़ेगा। रोहित आओ ना यार, आओ बैठो। अरे आप कब आए? अभी आया जाए मैं। और बताओ रोहित, तुम सुनाओ
तुम्हारी IAS की तैयारी कैसे चल रही है? क्या बताऊं भैया, पढ़ाई भी एकदम पत्नियों की तरह ही होती है। कितनी भी कोशिश कर लो कभी सफलता नहीं मिलती। अरे फिर तो अच्छा हुआ ना, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई। लेकिन भाई हम तो अपनी पत्नी जी के एग्जाम में एकदम पास हो गए। क्यों शर्मिला जी? अरे क्या हुआ? ए, तुम्हारा ये मेरे सिर में थोड़ा दर्द है। अरे यार सर में दर्द है तुम्हारे? तो हम एक काम करते हैं, हम तीनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं, तुम फ्रेश हो जाओगी। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं छोड़ो ना यार, खाना बाहर खाएंगे आज। क्यों भाई क्या बोलते हो? हाँ भैया नाइस आइडिया, इस तरह भाभी की थकान भी दूर हो जाएगी। करेक्ट। मैं हाथ पर धो लेता हूँ, ठीक है? तुम तैयार हो ना? चलो। और बड़ी टॉवल देना जरा। क्या कर रहे हो तुम? मैं पहले से वैसे भी परेशान हूँ। वही तो जानना चाहता हूँ सुविधा, बात क्या है? जैसे तुम जानते ही नहीं, चंदू ने अपना टूर कैंसिल कर दिया है घर में वक्त बिताने के लिए। अब हम ठीक से मिल भी नहीं पाएंगे। तो तुम क्या चाहती, मैं घर में आना बंद कर दूँ? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? अगर कोई और घर या मकान होता तो हम एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिता सकते। मैं भी आती हूँ। मैडम ऑर्डर कीजिए आप। अरे मैं क्या ऑर्डर करूंगी, आप ही ऑर्डर कीजिए ना। ओके मेरी मर्जी। अरे खाना सबको, तो चलो सबकी मर्जी के हिसाब से। स्टफ पराठा। मैं बाथरूम जाकर आती। ठीक है। रोहित गार्लिक नान। एनीथिंग भैया। सर आपकी मिसेज करूँगा। मिसेज? कौन सी मिसेज? तो जहाँ बैठी थी वो। अरे अरे रोहित तूने यार बताया नहीं कि तूने शादी कर ली, तू तो छुपा और स्तंभ निकला यार। क्या भैया आप भी ना। क्या हुआ? नहीं नहीं ये खाना गया है। रोहित अगर मैं कुछ देर और तुमसे दूर रही ना तो मैं पागल हो जाऊँ। पागल तो मैं भी हो जाऊँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ तो सोचो, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। हम किसी होटल में जा सकते हैं। होटल? नहीं, अगर वहां हमें किसी ने देख लिया तो? स्वीटहार्ट इस तरह डरोगी तो कुछ नहीं होगा। नहीं रोहित, अगर नहीं होटल में कैमरास होते हैं, अगर कुछ भी सामने आ गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हम होटल नहीं जा सकते। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, यही रास्ता हमारे पास। मैं बोल रही, आज ही पता चला है कि चंदू 2 दिन के बाद 4 दिन के लिए टूर पे जा रहा है। हाँ जैसे ही वो निकलेगा मैं तुम्हें फोन करूंगी। तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है। अच्छा मैं रखती हूँ, गुड नाइट। शर्मिला Hey, wait! Hello? हाँ कैसे चल रहा है तुम्हारा काम? अरे मेरी जान की यादें मेरे साथ हैं तो मेरा तो हमेशा अच्छा ही रहेगा ना। आओ। हाँ क्या हुआ? नहीं सब कुछ ठीक है। एक्चुअली मैं वो फरसान का डब्बा खोल रही थी ना तो वो बहुत ज्यादा टाइट है। ओके ओके ओके। अच्छा मैंने अभी भी होटल से चेकआउट किया है और मैंने अपनी जान को एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया। अच्छा क्या गुड न्यूज? तुम आज रात को ही वापस आ रहे हो? मैं आज रात को ही मेरी जान के पास वापस आ रहा हूँ। क्या तुम आज रात को ही वापस आ रहे हो? लेकिन मुझे आते आते बहुत देर रात हो जाएगी,
तो तुम दरवाजा अंदर से बंद मत करना, चाबी है मेरे पास तो मैं खोल लूंगा, ठीक है? ठीक है, मुझे शायद नींद आ जाएगी। अरे यार तुम नींद में रहोगी, ठीक है ठीक। लेकिन अगर तुम्हारी नींद में कोई खलल पड़ गई तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जान यार तुम्हें बहुत मिस करता हूँ यार, तुमसे दूर नहीं रहा जाता। आई लव यू, फोन रखता हूँ, बाय। रोहित मुझे लगता है थोड़ी देर में तुम्हें चले जाना चाहिए। पर मैम साफ साफ क्यों नहीं बोलते, तुम तो यही चाहते हो कि मैं अभी अभी चल जाऊँ ना। रोहित मुझसे गुस्सा होने से क्या होगा? अरे एक तो मुश्किल से हमें टाइम मिलता है, ऊपर से ये। देखो रोहित मुझे बहुत काम है, घर का हुलिया भी ठीक करना है, और अगर तुम मेरे आसपास रहोगे ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए प्लीज यू हैव टू गो। तो रोहित का फोन है और चंदू किसी भी वक्त आते होंगे। कितनी देर लगा दी तुमने? मुझे भी कोई शौक नहीं है रातों को भटकने का, कितने दूर से वापस आ रहा तुम्हें पता है? तो किसने कहा था तुम्हें अपना फोन यहां भूल ले को? अब ये लो और जाओ यहां से जल्दी, जाओ कुछ देख लेगा, जाओ। ओके बाय। वही सारी घसी पीटी खबरें, कुछ भी नया नहीं है इसमें। चंदू मैं एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे ना? मैंने आज तक तुम्हारी किसी भी बात का बुरा माना है? जॉब मानू बोलो क्या बात? आज खाना होटल से मंगा ले, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अब इस बात पे तो बुरा मानूंगा ही, मानना ही पड़ेगा ना। क्यों? मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि परमानेंट काम करने वाली को घर पे रख लेते हैं, लेकिन तुम मेरी सुनती ही नहीं हो। अब देखो ना, तुम सुबह से लेकर रात तक इतना काम करती हो, इतना काम करती हो, किसी के भी सर में दर्द हो सकता है। मुझे काम वालियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, तुम्हें पता है ना अंजलि के साथ क्या हुआ था? हाँ देखा मैंने, लेकिन सारी काम करने वालियाँ ऐसी थोड़ी ना होती हैं। अंजलि ने भी यही सोच के रखा था, लेकिन दो दिन में सारा जेवर और पैसा लेके भाग गई। मैं मैनेज कर लूँ। ओके 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 बाबा ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मूड ठीक कर लो ना। अब देखो ना, कुछ दिनों के बाद मुझे वापिस जाना। कहाँ? लो भूल गई ना, अपने टूर पे। और कहाँ? और देखो थोड़ा तुम्हें भी रेस्ट मिल जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि इस दौरान ना तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, ठीक है? आप बताओ कहाँ से खाना मंगाना है? तो ठीक है, शर्मिला रोहित तुम लोग यहाँ पर? वो मम्मा के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी ना, तो मैंने सोचा मैं अकेली बोर हो जाऊंगी, कि मैंने रोहित को बुला लिया। बहुत अच्छा किया। अरे भाई शॉपिंग वॉपिंग तो हो गई लगता है। हाँ? चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के घर ड्रॉप कर देता हूँ। रोहित चलो। नहीं भैया आप लोग जाइए, एक्चुअली मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो यू गाइस कैरी ऑन। चलो ठीक है, चलो रानी। थैंक यू। थोड़ी देर अंदर चलो, मम्मा को अच्छा लगेगा। अरे जान मेरा बड़ा मन था मम्मा से मिलने का, लेकिन मैं लेट हो गया हूँ ना, मुझे टाइम पे पहुंचना भी है। ठीक है तुम जाओ। बाय। अच्छी है ना ये? सुंदर है, पर इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी बेटा? कोई मेरी उम्र है क्या इतनी महंगी साड़ी पहनने की? क्यों नहीं,
मेरी माँ अब भी बहुत खूबसूरत है। इतने दिनों बाद आई है बेटा, रुक जाना, दामाद जी भी तो नहीं है, क्या करेगी घर जाकर। माँ मेरा तो बहुत मन था लेकिन क्या करूँ, चंदू ने घर पे कुछ सामान छोड़ रखा है जिसे लेने के लिए कोई आने वाला है शाम से पहले। ये दामाद जी भी ना घर में नहीं है, तब भी उनके पीछे कुछ न कुछ चलता रहता है, क्या करूँ। चलो मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, अगली बार आएगी तो खाना खाकर ही जाएगी और दामाद जी को भी साथ लाएगी। पक्का? पति के लिए इससे ज्यादा दुखदाई बात और क्या होगी कि उसे धोखा दिया उस औरत ने जिसने उसके साथ जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाई थी और खुद उसके अपने चचेरे भाई थे। वो दो लोग जिन पर चंद्रवीर ने आंख मूंद कर भरोसा किया था, उन्हीं दोनों ने उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया था। शादी के पवित्र रिश्ते को एक आशिक की बाहों की बलि चढ़ा दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, जब रास्ता गलत हो तो उसका अंजाम भी गलत ही होता। अब देखना यह था कि अगला कदम कौन उठाएगा, चंद्रवीर, शर्मिला या फिर रोहित। क्या फैसला किया तुमने, क्या सजा देने वाले हो मुझे? सजा देने का अधिकार तो तुम मुझसे पहले छीन चुकी हो शर्मिला। अगर तुम मुझे अपने पति होने का अधिकार देना चाहती तो ये सब होता नहीं। लेकिन अब हुआ है तो फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें रोहित का साथ निभाना है या हमारा साथ मिटाना है। ये क्या कह रहे हो तुम चंद? ठीक कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक, क्योंकि शर्मिला ये दोनों एक साथ तो नहीं चल सकते ना। चलने को तो हमारा भी कहाँ ठीक चल रहा था चंदू, मेरी जिंदगी में ऐसा क्या था जो एक शादीशुदा औरत की जिंदगी में होता है। मुझे तो अब तक यही लगता था कि सिर्फ एक पति जरूरी होता है। हाँ पति जरूरी होता है, लेकिन पति का साथ भी जरूरी होता है, और तुम तो मेरे साथ ही नहीं थे, तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है चंदू। शादीशुदा होने के बावजूद भी मैं हमेशा से अकेली ही रहती हूँ। इसके लिए भी तुम मुझे जिम्मेदार मानती हो? चंदू नहीं, गलती मेरी है, मैंने गलत किया, मुझे अपने आप पर शर्म आती है। प्लीज, I'm sorry चंदू, I'm sorry, मुझे माफ कर दो प्लीज। आवाज नीचे, मैं दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहता, पहले ही मैं पूरे मोहल्ले के सामने तमाशा बन चुका हूं। मैंने कुछ नहीं किया चंदू। कुछ नहीं किया तुमने? तुम्हें क्या लगता कि अड़ोस पड़ोस वाले, ये मोहल्ले वाले, वो लोग नहीं देख रहे कि क्या चल रहा है यहां मेरी पीठ के पीछे? कुछ नहीं किया,
कल सुबह तक सोच समझ कर मुझे बता देना कि तुम्हारा फैसला क्या है, और इस बार पीठ पीछे नहीं, सामने आकर। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, और खास करके शादी जैसा रिश्ता। दो अलग लोगों का एक होकर एक साथ एक छत के नीचे रहना आसान काम नहीं है, और हो भी नहीं सकता। शादी के रिश्ते को निभाने के लिए, उसे लगातार बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। एक दूसरे को समझना, कुछ समझौते करना, कुछ त्याग करना, छोटे छोटे मतभेदों को भुलाकर लगातार भरोसे और प्यार को बनाए रखना, शादी को निभाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। चंद्रवीर एक नहायत ही समझदार इंसान था। वो समझता था कि अपने अपनों से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला ठंडे दिमाग से ही लिया जा सकता है, और वो शर्मिला से बेहद प्यार करता था, उसे खोना नहीं चाहता था। इसीलिए इतना सब होने के बाद भी उसने शर्मिला और अपनी शादी को एक और मौका देने का फैसला किया। चंद्रवीर के दुख का अंदाजा लगाना मुश्किल है, और उसने खुद को इन हालात में कैसे संभाला ये शायद सिर्फ वही जानता था। मेरे बीच अब कुछ नहीं रहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जिसकी कीमत मैं रोज चुका रही हूं। आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, कभी नहीं। शर्मिला, खाना गर्म कर दो। मैं अभी गर्म करके लाती हूं। बहुत भूख लग रही, जल्दी लेके आना। शर्मिला, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे चोट दोगी।
इतनी गहरी? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और उसका मुझे रोज पछतावा हो रहा है। क्या हम इसे एक बुरा सपना समझ के भूल नहीं सकते? प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। चंद्रवीर ने शर्मिला को माफ कर दिया। शर्मिला भी अपनी गृहस्थी को फिर से संभालना चाहती थी। वो दोनों ही इस टूटते हुए रिश्ते को बचाना चाहते थे। वक्त का तूफान थम गया और दोनों ने अतीत को भुलाने का फैसला कर लिया। धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। चंद्रवीर की आंखों में विश्वास और शर्मिला के होंठों पर हंसी वापस लौट रही थी। सब कुछ पहले जैसा होने लगा था। हेलो, खाना बाहर खाएंगे आज। एक बहुत ही ना अच्छा नया रेस्टोरेंट खुला है बाहर। ठीक है, मैं जल्दी तैयार हो जाती क्यों नहीं? और उसका मोबाइल भी ऑफ है। इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? इंस्पेक्टर साहब बैठिए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? जी, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। मेरे पति कल रात से गायब है। गायब है मतलब? कल रात को हम बाहर डिनर पर जाने वाले थे। मैं घर पे उनका इंतजार कर रही थी लेकिन वो घर ही नहीं आए और अब उनका फोन भी ऑफ है। करीब 12-15 घंटे से आपके पति लापता है। जी इंस्पेक्टर साहब, प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए, 24 घंटे से पहले हम किसी के लापता होने की रिपोर्ट नहीं लिख सकते, लेकिन आपने हमें इन्फॉर्म कर दिया है, फिर भी मैं छानबीन करना शुरू कर देता हूँ। आप उनकी एक फोटो दे दीजिए। ठीक है, लेकिन उनका फोन बंद है तो कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आप तक पहुँचा देंगे। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला मेरे पति के बारे में? कहाँ है वो, कैसे है वो? शहर के बाहर उनकी गाड़ी मिली और उसके साथ एक बॉडी मिली। बॉडी? बॉडी आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाए, लेकिन उसकी एक जेब में ड्राइविंग लाइसेंस मिला जो चंद्रवीर जी का है। कोई ऑफिस में उनके किसी बिजनेस मैटर में लेके कोई दुश्मन? मैं नहीं जानती, क्योंकि वो ऑफिस का काम कभी घर पर नहीं लाते थे, ना ही किसी के साथ झगड़े की बात की है उन्होंने। बस एक दो बार उन्हें फोन पर चिल्लाते हुए सुना है मैंने। आपको किसी पर शक? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि चंदू जैसे आदमी के साथ कोई ऐसा कर सकता। ताज्जुब की बात है, एक तरफ तो शर्मिला कह रही थी कि चंद्रवीर जैसे इंसान की किसी से दुश्मनी होना नामुमकिन सी बात है, वहीं दूसरी ओर ऐसे इंसान के कातिल को पकड़वाने की उसमें जरा सी भी बेचैनी नहीं दिख रही थी। क्या शर्मिला कुछ छिपा रही थी? छानबीन को आगे बढ़ाने के मकसद से वो किसी का नाम तो ले ही सकती थी, मसलन रोहित का, जिसके चंद्रवीर के साथ रिश्ते काफी हद तक कड़वे हो चुके थे। लेकिन उसने रोहित का नाम नहीं लिया, क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि उसे डर था कि रोहित के साथ उसका बीता हुआ कल लोगों के सामने ना आ जाए?
चंद्रवीर को जानते हैं आप? कैसे आदमी थे वो? बहुत अच्छा आदमी था, अपने हाल में मस्त रहता था, किसी से कुछ नहीं कहता। सब उससे बात करने में कोई फायदा नहीं, ना वो सुन सकता है ना बोल सकता है, कोई फायदा नहीं। एक महीना गुजर जाने के बाद भी चंद्रवीर के कत्ल के केस में कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा था। पुलिस की हर कोशिश किसी न किसी मोड़ पर आकर रुक जाती। और तभी एक दिन एक शख्स इस केस की जांच कर रहे इंस्पेक्टर से मिलने पुलिस स्टेशन में, और उस शख्स ने इस केस में वो बंद दरवाजा खोल दिया जिस पर अब तक किसी की नजर ही नहीं पड़ी। उसके बयान के बाद इंस्पेक्टर एक बार फिर उस जगह पहुंचे जहां चंद्रवीर का कत्ल हुआ था, और वो सबूत ढूंढ निकाला जिसने इस केस के सारे सवाल एक पल में साफ कर दिए। अरे काका जी, आप यहाँ पर बैठिए, क्या बात हो गई? ये बोल सुन नहीं सकते हैं, इसलिए इन्होंने अपना स्टेटमेंट आपको साइन करके दे दिया है। इस स्टेटमेंट ने तो चंद्रवीर जी का मर्डर केस सॉल्व कर दिया। इनसे कहिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। कह रहे हैं मैं बोल नहीं सकता हूँ, सुन नहीं सकता हूँ, लेकिन देख जरूर सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपने इतने दिनों बाद अचानक मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? क्या करे शर्मिला जी, अगर आपने पहले ही सब कुछ बता दिया होता तो इतना वक्त नहीं लगता। क्या मतलब? मतलब आपने हमें सब कुछ नहीं बताया, कुछ बातें आपने दबा दी जो आपके पति के मर्डर केस को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती थी। आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया। तो आपने रोहित के बारे में क्यों नहीं बताया? इंस्पेक्टर साहब, रोहित के बारे में बताने जैसा क्या है? वैसे भी उसका तो इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है? क्यों छुपाया आपने ये बात कि आपका और रोहित का अफेयर चल रहा था? क्यों नहीं आपने अपने बयान के अंदर ये बताया कि आप शादीशुदा होने के बावजूद रोहित के साथ आपके संबंध थे? इंस्पेक्टर साहब, मैं मानती हूँ कि रोहित और मैं हम दोनों एक साथ थे, लेकिन इस बारे में चंदू को सब कुछ पता था। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने उससे माफी मांगी क्योंकि मुझे अपने किए पर पछतावा था, और चंदू ने मुझे माफ कर दिया था, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था, और मैंने तो रोहित से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। वो मिलना जुलना बंद कर दिया था और चंद्रवीर के मरते ही रोहित के साथ रहना शुरू कर दिया। मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि एक झूठ और आपने मुझसे कहा था कि आप अपने पति का इंतजार कर रही थी, जबकि सच ये है कि आप उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ के खाना खाने गई थी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो ये रहा उस टोल नाके का फुटेज जो आपने क्रॉस किया था। अब आप कुछ कहना चाहेंगी? जब चंदू का फोन आया था तो जान, मेरे दोस्त ने इतनी तारीफ की ना खाने की कि तुम उसका खाना खाओगे ना ढाबे का, उंगलियां चाटते रह जाओगी अपनी। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। ओके ओके बाबा, अब सरप्राइज देने के लिए तुम मुझे शहर से बाहर ले जाओगी क्या? तुमसे बड़ा सरप्राइज तो मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं ना। ये उससे भी बड़ा है। फिर तो मैं इस सरप्राइज को देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ, तरस रहा हूँ। और फिर चंदू अपनी गाड़ी से उतर के, किसने मारा चंद्रवीर जी को? रोहित। तूने ही अपने भाई का खून किया है। शर्मिला ने, भैया से फोन पे बात करने के बाद भाभी ने मुझे उनके खाना खाने के प्लान के बारे में बताया। फिर मैं वहां उनसे पहले पहुंच गया और उनका इंतजार कर रहा था कि लगता है मेरी जान आज कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस रोमांटिक मूड में है। लेकिन जान, ले कहां जा रही हो ये तो बताओ मुझे। अरे मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें कुछ दिखाना है, सरप्राइज है तुम्हारा। अरे वो तो ठीक है, सरप्राइज। बस चलो। इसमें रोमांटिक वाली कौन सी चीज है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आई प्रॉमिस तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, देखो। लेकिन यार, यहाँ तो सिर्फ झाड़ है, कांटे हैं, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। ऐसा तुम्हें अभी लग रहा है, लेकिन जब तुम सरप्राइज देखोगे ना तो बहुत मजा आएगा तुम्हें। अच्छा तो दिखाओ ना सरप्राइज, कब दिखाओगी? मतलब 2-3 किलोमीटर के बाद?
अजय ठीक है, यहाँ खड़े रहो और आंखें बंद। सरप्राइज आंखें बंद करके कैसे देखूंगा मैं? स्टॉप इट, आंखें बंद। अरे और यही रहना। ओके 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 बाबा ओके। लो कर लिया आंखें बंद। ओके चलो यार जल्दी करो ना, दिखाओ क्या है सरप्राइज। अरे कितनी देर आंखें बंद रखूंगा यार मैं। आंखें खोलो शर्मिला। ये आपके पति की हत्या की साजिश और हत्या करने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। गलती हर इंसान से होती है और हम अगर चाहें तो अपनी हर गलती को सुधार सकते हैं, लेकिन अगर गलती अपराध की शक्ल इख्तियार कर ले तो 6 महीनों तक एक आदर्श पत्नी होने का ढोंग करने के बाद जब शर्मिला की बेचैनी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। जब दो लोगों के बीच कोई रिश्ता सही दिशा में नहीं जा रहा होता है तो फिर भी वो लोग उस रिश्ते को क्यों पकड़े रखना चाहते हैं? सिर्फ समाज के लिए, परिवार की इज्जत के लिए? क्यों दुनिया के फिक्र में लोग एक मर चुके रिश्ते को जीवित रखना चाहते हैं? अगर चंद्रवीर और उसकी पत्नी कानूनन अलग हो गए होते तो आज शायद चंद्रवीर भी जीवित होता और शर्मिला भी जेल में ना होती। शर्मिला और रोहित को चंद्रवीर की हत्या करने के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रिश्तों में विश्वास करना जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास अक्सर घातक साबित होता है और वो भी एक बार धोखा खाने के बाद। चंद्रवीर को अपनी पत्नी की असलियत जानने के बाद पहले ही सावधान हो जाना चाहिए था। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।